सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 13 मार्च है, दिन सोमवार है। नानक शाही संमत 554 के मुताबिक अज 29 फगण है। खबरों के इस खास बुलेटिन के सारिया वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। पंजाब दे विच जिथे बजट इजलास का पहला पड़ा चल रहा है, उत्थे ही केंद्रीय संसद के बजट इजलास का अज तो दूसरा पड़ा शुरू हो जाएगा। सैशन की शुरुआत तो पहला विरोधी धिरां रणनीति बनाने लई मीटिंग करनगियां, तां जो सरकार नूं जांच एजेंसियां की कथित दुरवरतों के अडानी विवाद वर्गे मुद्दों ते घेरिया जा सके। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर विच होने वाली मीटिंग दे विच कई पार्टियां दे लीडरां दे वल्लों हाजरी भरे जाण दी खबर मिली है। उधर राज्यसभा दे चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ ने बजट सैशन दे दूसरे पड़ा दी शुरुआत तों पहलां कल मीटिंग करके सदन दे विच विघन नूं रोकने तरीकां बारे वख-वख सियासी पार्टियां दे लीडरां दे विचार मंगे। पंजाब दे बजट इजलास की जे गल कर लईए तां लगातार सैशन दे विच हंगामा चलदा आ रहा है। विरोधी धिर अते सत्ता धिर आपस दे विच किसे ना किसे मुद्दे ते भिड़ जांदियां ने, हालांकि कितें ना कितें सहमति भी बन जांदी है। बजट पेश करन तों बाद भी लगातार उहो जिहा ही माहौल चल रहा है। अज भी पंजाब दे वख-वख मुद्दियां दे उत्ते सदन दे विच तिखी बहस होण दी संभावना जताई जा सकती है। तो पंजाब दे विच कल जिहड़ी टैट प्रीख्या ली गई है, अध्यापक योग्यता प्रीख्या ली गई है, वह मुद्दा भी विधानसभा दे विच छाए रहने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत ही हैरानीजनक कुताही इत्थे सामने आई है। अध्यापक योग्यता प्रीख्या दे लई जिहड़े प्रीख्या परचे दिते गए सन उन्हां दे विच जवाबां समेत सवाल पाए गए ने, यानी कि जिहड़े ऑप्शनल सवाल सीगे उन्हां दे विच चार चार उत्तर हुंदे ने, चार चार ऑप्शनस हुंदियां ने, उन्हां दे विचों एक सही ऑप्शन चुननी हुंदी है। तो सही ऑप्शन नूं हाईलाइट किया होया सी ताकि प्रीख्यार्थियों नूं पता लग सके कि इहदा सही उत्तर किहड़ा है। असीं इस मसले की पूरी छानबीण की है, जिस तों बाद असीं कह सकते हाँ कि सिक्ख्या विभाग की लापरवाही ने सारियां हद्दां ही पार कर दित्तियां ने। टैट प्रीख्या यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टैसट दौरान उम्मीदवारों की मेहनत के नाल शरेआम मजाक किया गया, जिहड़ा शायद पहलां कदे भी किते भी ना होया होवे। जिहड़े उम्मीदवार टैट 2 का इम्तिहान देन पहुंचे सन उन्हां दे 60 नंबर के समाजिक सिक्ख्या के प्रश्न पत्र के हर सवाल के दिए गए चार ऑप्शन के सही जवाब में गूढ़े निशान के नाल टिक किया होया सी, ते हकीकत दे विच वी उही सही उत्तर सन। ये सारे पड़ताल करन तो बाद ही असीं ये दावा कर रहे हां। हालांकि पेपर सिक्ख्या विभाग के अदारे SCERT के वल्लों करवाया जाता है, पर इस अदारे ने इस बारे जिम्मेदारी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर नूं दित्ती सी, जिस दे वल्लों पूरी लापरवाही की गई है। पेपर दे विच होए इस गोलमाल ते कांग्रेस के सीनियर विधायक सुखपाल सिंह खहरा ने सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ते वड्डा निशाना लाया है। खहरा ने कहा कि सिक्ख्या मंत्री दे तौर ते बैंस की यह वड्डी असफलता है। खहरा ने भी लिखा कि पेपर तो पहला ही प्रीख्या शीट के 60% उत्तर पहला ही मौजूद सन। नायब तहसीलदार घोटाले तो बाद कहिंदे पंजाब सरकार दी एक वड्डी भुल है ते सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस नूं इस लई माफी मंगनी चाहीदी है, जिम्मेवारी तय करनी चाहीदी है। ते पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री दे लई इह वड्डी नमोशी दा कारण भी है, ओह वी उस दिन जिस दिन उन्हां दी मंगणी दीआं खबरां आ रहीआं ने। ते पंजाब दे बेरोजगार अध्यापक यूनियन नूं इस पिछे वड्डी साजिश दिखाई दे रही है। यूनियन दे मैंबर सुखविंदर सिंह ढिल्लवां ने खालस टीवी दे नाल खास गल्लबात कीती है अते दस्सिया कि असीं सारी पड़ताल कर लईए, सहजे अंदाज़ा लाया जा सकता है इन्हां प्रश्न पुत्रां तों कि सही उत्तर किहड़ा है। इहदे नाल कहिंदे जिथे बिना तैयारी तों प्रीख्या देण वाले उम्मीदवार पास हो जाणगे, उत्थे ही तैयारी करन वाले जिहड़े उम्मीदवार ने उन्हां नाल बेइंसाफी होवेगी। ढिल्लवां ने कहा कि सानू यह सब कुछ जाण बुझ के किया गया लगता है। कहिंदे टैट अध्यापक की प्रीख्या तो बाद सरकार ते नौकरी का दबाव बढ़ना सी, इसे लई सरकार ने इसनू टालण दे लई यह काम किया है। उन्हां फैसला लिया कि असी इस मसले नू अदालत दे विच चुनौती देवांगे अते मुड़ तों इम्तिहान करवाउण दी मंग करांगे। ढिल्लवां ने सरकार तो भी मंग की है कि इस पेपर नू रद्द करके छेती तो छेती दोबारा प्रीख्या करवाई जाए, तो जिन्हां ने यह कारा किया उन्हां खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। ये तो यह पता लग गया मेरे को मैथ पंजाबी SST के क्वेश्चन पेपर के प्रूफ मिले ने, जिदे जिहड़ा एक आंसर किसी ने चूज करना हुंदा उन्हों डार्क करना हुंदा, तो पहले ही चारां दे विच्चों एक एक जिहड़ा उत्तर सीगा प्रिंट पेपर के उत्ते पहले ही उन्हों हाईलाइट किया होया सी, जिदे तो पेपर देने वाले कैंडीडेट नू इस गल का सौखे अंदाजा लाया जा सकता है कि इहदा सही आंसर की बनता है। इस नाल जिन्हां ने तैयारी नहीं सी कीती वह भी ये पेपर नू क्वालीफाई करनगे, जिन्हां ने कीती है उन्हां दा इस गल ते लॉस होगा, नुकसान होगा कि उन्हां ने इन्नी मेहनत की, उन्हां दे पैसे उन्हां दा समा बेकार जाऊगा। मैं समाजिक सिक्ख्या दा जिहड़ा पेपर चों इहनू वेरीफाई कीता, जिहड़े 60 क्वेश्चन बनते सी उन्हां दीआं जिहड़े उत्तर बनते सी उही सही उत्तर बनते ने, जिहड़े
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਰਕ ਕੀਤੇ, ਬੋਲਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜੂਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ETT ਦੀਆਂ, BED ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, DPPT ਦੀ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 24 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੂਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਉਸੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ 24 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਤੀਜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਟੈਟ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਮਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਰੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਟਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਉਮਰਾਨਗਰ ਨੰਗਲ ਸਮੇਤ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੋਟਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ICAR ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜੌਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬੇਮੌਸਮਾ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਮਾਰਚ, ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12-13 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਰਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਮੌਸਮਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15-17 ਮਾਰਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 16-20 ਮਾਰਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14,000 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੀਅਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ 1984 ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬਿਲਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਾ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਫੌਜ ਹੋਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੀ ਹੋਣ ਗੁਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੀ ਮਿਲਿਆ, ਲੈ ਲਿਆ ਬਦਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਦਾ ਦੁੱਖੋਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਗਣਾ ਸਿਆਣਪਣ ਸਭ ਖੂਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੁਗਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਦੇ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਨੀ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਖੜਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਓ ਭਾਈ ਵੋਟਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਲ ਚਾਹ ਹੀ ਗੱਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਤ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਬਾਲ ਕੀ ਡਿਗਰੀ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ
उन्होंने साढ़े का नजर वालों भी चंगी नहीं समझी उसे बैठे हुए मुश्किल साड़ी हल कर देंगे मुश्किल अपन हल करूंगा ऊपर वाली गल साड़िया चुनाव दुआना बच्चे के नाल ने और मैं एक बड़ी दावे ने कहना मेरा बच्चा फकर सुभा रहा है कीड़े पैन गए सब तो जिन्हें ने उन्हें धोखा किया धोखे न मारिया इंजाम साहब में होगा थोड़ी देर से घर चो जाती है कई बार पर मेहर नहीं है तो सानू इन्हों ज्यादा जरा है उम्मीद परमात्मा से है सुखी पातशाह से है वो जरूर साढ़े सदन को शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले की पहली बरसी 19 मार्च को मनाई जा रही है मानसा की दाणा मंडी के बरसी मनाई जाएगी जिसनों लैके तैयारियां चल रही ने इस बरसी समागम के भी वड्डी गिणती दे विच लोगों दे पहुंचने की उम्मीद है। पंजाब सरकार ने अपने बजट दे विच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का बजट ऐतकी 34 करोड़ घटा दिता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन ही यह दावा किया है ऐलान किया है कि वह यूनिवर्सिटी जिहड़े लोड़ींदे फंड ने मुहैया करवाउणगे ते यूनिवर्सिटी कर्जा मुक्त किया जाएगा पर बावजूद इस ते पंजाबी यूनिवर्सिटी का बजट घटाउण दे खिलाफ विद्यार्थी जथेबंदियों के वलों रोस प्रदर्शन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की ग्रांट 200 करोड़ तो घटा के 164 करोड़ करन तो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अध्यापक कर्मचारी ते पेंशनर खफा ने उन्होंने बजट घटाने का विरोध करदिया पंजाबी यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा गठित किया है ते अज तो पंजाब सरकार खिलाफ संघर्ष विढ़न का ऐलान कर दिता है। अज सवेरे 10 बजे यूनिवर्सिटी के वंगार रैली की जाएगी ते पंजाब सरकार तो यूनिवर्सिटी के लिए मुकम्मल ग्रांट ते कर्जा माफी की मांग की जाएगी। पंजाब के अमृतसर के आने दिनों होने वाले G20 सम्मेलन को लैके जिथे सूबे की सुरक्षा वधा दी गई है उत्थे ही भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां दे वल्लों G20 सम्मेलन खिलाफ रोस धरने का ऐलान किया गया है। किसान जथेबंदी ने मांग की है कि देश ते पंजाब दी खेती ते सनत नूं साम्राज्य लुटेरियां दे परछावें तों दूर रखा जाए अते संसार व्यापार संस्था वर्गे साम्राज्य अदारियां नाल कीते लोक विरोधी समझौते रद्द किए जाण। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा नूं मत्थे विच गोली मारन की धमकी देने वाले नौजवान राज करीवाल नूं भुलत्थ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लंघी शाह मुक्त नौजवान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट राही धमकी दित्ती सी जिस तों बाद खैरा ने पुलिस नूं शिकायत दित्ती सी। राज गरेवाल जलंधर जिले के पिंड खोजपुर का रहने वाला है। पुलिस की पूछगिछ के पता लग्या है कि राज गरेवाल आर्थिक पक्षों बहुत ही गरीब घर नाल संबंधित है। लंबा समा पहला उसके पिता की मौत हो चुकी सी। मां आंगनवाड़ी के रसोई वर्कर वजो सेवा करके अपने परिवार का खर्चा तोर रही है। राज दिहाड़ीदार वजो रंग रोगन का काम करता है। घर की कच्ची छत पक्की करवाने के लिए हाल ही पंचायत ने ग्रांट मंजूर की है। पिंड वासियों ने पुलिस से सुखपाल खैरा अपील की है कि राज पहला कदम भी किसी अपराधिक गतिविधि शामिल नहीं रहा इस करके उसकी अनजाने विच हुई गलती नूं माफ किया जाए। हो सकता है कि सुखपाल खैरा नौजवान की गलती माफ कर देन। जीरकपुर दे विच बठिंडा दे एक नौजवान का चाकू मार के कतल कर दिता गया। पुलिस ने केस दर्ज करके कातलों की भाल शुरू कर दी है। जीरकपुर के गुरु घर नेड़े बीती रात एक्टिवा सवार दो हमलावरों ने चाकू मार के गुलाब सिंह का कतल कर दिता जिसकी उम्र महज 26 साल से। हमलावर की हाले पछाण नहीं हो सकी है। गुलाब सिंह बठिंडा के पिंड करमगढ़ छत्रा का रहने वाला से। पंजाब के सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस दा पंजाब काडर दी IPS अधिकारी ज्योति यादव दे नाल मंगना हो गया। छेती ही सिक्ख्या मंत्री अते ज्योति यादव विआह दे बंधन विच बजन जा रहे ने। पंजाब विधानसभा दे स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने भी जोड़ी नूं वधाई दित्ती है। हालांकि इह नहीं साफ हो सकिया कि मंत्री जी दा विआह कदों हो रहा है। IPS ज्योति यादव मानसा दे विच बतौर पुलिस कप्तान हैडक्वार्टर तैनात ने। सूत्रां मुताबिक कैबिनेट मंत्री इसे महीने विआह करवा सकते ने। देर रात ज्योति यादव ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट दे एक पोस्ट सांझी की है जिस दे विच हरजोत सिंह बैंस नूं भी टैग किया है ते लिखिया होया टेकन अते उन्होंने अपने हाथ दी फोटो सांझी की है जिस विच उन्हां दे मुंदरी पाई हुई है। इस तरह कुलतार सिंह संधवा ने भी जिहड़ी फोटो सांझी की है वह मंगने की ही लगती है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच हुण खबरां विस्तार दे नाल कोटकपूरा गोली कांड नाल जुड़ी हुई खबर है कि इस केस दे विच सिख संगतां दे खिलाफ जिहड़ा मुकदमा दर्ज किया गया सी उस नूं रद्द कर दिता गया है। उस नूं साजिश करार दिता गया है। कोटकपूरा गोली कांड विच पुलिस अधिकारियों के वलों शांतमई रोस धरने ते बैठी सिख संगत दे खिलाफ दर्ज मुकदमे नूं साजिश दसदिया जांच टीम ने सिख धरनाकारियों नूं क्लीन चिट दे दित्ती है ते नाल ही इस केस दे विच अपनियां शक्तियां दी दुरवरतों करके बेकसूर लोगों के खिलाफ झूठे गवाह
सबूत अते केस बनाउण दे दोषां तहत पंजाब दे साबका डीजीपी सुमेध सैणी, आई जी परमराज सिंह उमरा नंगल, फरीदकोट दे तत्काली SSP सुखमिंदर सिंह मान ते थाणा सिटी कोटकपुरा दे साबका SHO गुरदीप सिंह पंधेर नूं मुलजम नामजद कीता है। मुकदमा नंबर 192 जिहड़ा कि 14 अक्तूबर 2015 दे विच दर्ज कीता गया सी, उस दे विच इन्हां नूं मुख मुलजम बनाया गया। जांच टीम ने इन्हां पुलिस अधिकारियों के खिलाफ वक्खरा चलान इलाका मैजिस्ट्रेट की अदालत दे विच पेश कर दिता है। इस चलान के आधार पर अदालत ने इन्हां पुलिस अधिकारियों नूं नोटिस भेज के 23 मार्च नूं अदालत विच पेश होने के निर्देश भी दिते ने। यानी कि कोटपुरा गोलीकांड दे विच सैणी ते उमरा नंगल समेत 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक होर वड्डी कार्रवाई हुई है। जदों इन्हां दे खिलाफ सिख संगतां दे उत्ते गोली चलाउण दा इल्जाम लग्या सी, दोष लग्या सी, तां इन्हां उल्टा सिख संगतां दे उत्ते ही परचा दर्ज करवा दिता सी, जिस नूं हुण सिट ने खारिज कर दिता है। सिख संगत नूं क्लीन चिट दित्ती गई है अते अपनियां शक्तियां दी दुरवरतों करके बेकसूर लोकां दे खिलाफ परचा दर्ज करवाउण दे कारण इन्हां नूं ही हुण मुलजम नामजद कीता गया है। इस दे नाल ही 23 मार्च ही उह तरीक है जदों पंजाब दे तत्काली मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल अते सुमेध सैणी होरां नूं कोटपुरा गोलीकांड केस दे विच अदालत विच पेश होण दे निर्देश दित्ते ने। ते उस तों पहलां सुखबीर बादल ते प्रकाश सिंह बादल अदालत दे विच अगाऊं जमानत अर्जी भी लैके पहुंचे ने, जिस दी सुनवाई 14 मार्च नूं होवेगी। ते कोटपुरा गोलीकांड नूं लैके आई इस वड्डी अपडेट तो बाद इह संकेत मिलदे ने कि गोलीकांड दी जांच अंतिम पड़ा ते है। ते जांच अंतिम पड़ा ते पहुंचण दे नाल ही ADGP LK यादव की अगवाई वाली सिट ने ऐतवार नूं कहा है कि जे किसी व्यक्ति दे कोल इस केस नाल संबंधित कोई भी ढुकवीं जानकारी है तां उह निजी तौर ते पुलिस दे नाल संपर्क करे, जां तां उह पुलिस हैडक्वार्टर सैक्टर 9C 6वीं मंजिल चंडीगढ़ स्थित पुलिस दे दफ्तर विच आ के अगले तीन वीर 16 मार्च, 23 मार्च ते 30 मार्च सवेरे 10:30 बजे तो दुपहरे 1:30 बजे तक मिल सकते ने। ते जे वो मिल नहीं सकते, उन्हां दा आना संभव नहीं है, तो वट्सएप नंबर भी दिता है पुलिस ने 9879983237। स्क्रीन ते नंबर तुसी नोट कर सकते हो, इस ते तुसी वट्सएप मैसेज भेज सकते हो पुलिस नूं, जां फिर तुसी ईमेल राही भी जानकारी दे सकते हो news.it2021kotkapuracase@gmail.com। ये भी तुहाडी स्क्रीन ते है, तुसी ईमेल राही जानकारी पुलिस दे नाल सांझी कर सकते हो। दोबारा फिर दस दिंदे हां, पुलिस ने कहा है कि कोटपुरा गोलीकांड नूं लैके जे किसे कोल भी कोई जानकारी है तो पुलिस दे नाल सांझी करे, क्योंकि जांच अंतिम पड़ाव ते पहुंच चुकी है। अगली वड्डी खबर है कि श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों धरनिआं मुजाहरिआं ते कब्जे वालीआं थावां दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश करन संबंधी भविखी दिशा निर्देश तय करन दे लई बनाई गई 16 मैंबरी सब कमेटी दे वल्लों तैयार कीती सीलबंद रिपोर्ट नूं श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं सौंप दित्ता है। यह जानकारी 16 मैंबरी सब कमेटी के कोआर्डीनेटर करनैल सिंह पीर मुहम्मद ने दिती है। उन्होंने दसिया कि पिछले दिनी तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब विखे 6 मार्च में जिहड़ी मीटिंग हुई सी 16 मैंबरी सब कमेटी की, उस मीटिंग दे विच रिपोर्ट तैयार कर ली गई सी। सीलबंद रिपोर्ट नूं हुण अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं सौंपिया गया है, ऐतवार नूं रिपोर्ट सौंपी गई है। तो श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार इस रिपोर्ट मिलण तो बाद पंच सिंह साहिबाना दे नाल विचार करनगे, उस तो बाद धरनिआं मुजाहरिआं ते कब्जियां वाले स्थानां दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन सरूप ले जाण संबंधी कोई आदेश जारी करनगे। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अजनाला घटना तो बाद इस 16 मैंबरी सब कमेटी बनाई सी, जिस विच कई सिख विद्वान ते माणयोग शख्सियतां नूं शामिल कीता गया सी। इस दे विच SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी अते दिल्ली कमेटी दे प्रधान हरमीत सिंह कालका भी शामिल ने। दरअसल जदों अजनाला दे विच वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे समर्थकां अते पुलिस दे विचाले झड़प होई सी, उस तों बाद वड्डे पद्धर ते इस गल दे इल्जाम अमृतपाल सिंह ते लाए गए सन कि उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ढाल बना के अपने निजी हित पूरे ने, पुलिस दे वल्लों फड़े गए अपने एक नौजवान नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सहारा लैके छड़ाया है। कई लीडरां ने, सियासी लीडरां ने तां इत्थों तक इल्जाम ला दिते सन कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गई है, जबकि अमृतपाल सिंह ने इन्हां सारे इल्जामां दा खंडन करदिआं कहा सी कि असी सिख सिद्धांतां अते रवायतां तों सीध लैंदिआं ही एक कार्रवाई
कार्रवाई की है। नाल ही अमृतपाल सिंह ने यह भी कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के वलों जो भी हुक्म किया जाएगा उसनू खिड़े मत्थे मनांगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एतवार को एक बड़ा बयान दिता है कि अतवाद से वक्वादी गतिविधियों के नाल सरकार सख्ती दे नाल नजिठेगी। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अतवाद खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति भविख के भी जारी रहेगी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के स्थापना दिवस संबंधी करवाए समागम को संबोधन करद अमित शाह ने कहा कि देश के वक्वाद अतवाद से भारत विरोधी गतिविधियों नाल सख्ती नाल नजिठिया जाएगा। अमित शाह हैदराबाद CISF के स्थापना दिवस के शामिल होने के लिए पहुंचे सन। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ पिछले 9 सालों के देश की अंदरूनी सुरक्षा दरपेश चुनौतियों का डट के मुकाबला किया गया है। कश्मीर के अतवादी गतिविधियां घटिया हैं। उन्होंने कहा कि CISF के आधुनिकीकरण के लिए भी सरकार वालों हर संभव कोशिश की जाएगी। पंजाब के आने वाले दिनों होने वाले G20 सम्मेलन तो पहला सूबे की पुलिस ने सुरक्षा लैके सख्ती वरतनी शुरू कर दी है। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की हालत में देखते हैं पैरामिलिट्री फोर्स ने भी कमान सांभ ली है। एतवार को पंजाब पुलिस वालों सूबे के कई इलाकों में ऑपरेशन सील 2 चलाया गया। पंजाब के 10 जिलों 131 थावां ते नाके ला के चैकिंग की गई। इस दौरान पंजाब चो बाहर जाने वाले बाहरों आने वाले वाहनों की चंगी तरह के नाल तलाशी ली गई। नशे ते गैंगस्टरां दे खिलाफ छेड़ी इस मुहिम की अगवाई संबंधित इलाके के DSP ने की। पुलिस मुताबिक यह ऑपरेशन नशे ते गैंगस्टरां दे खिलाफ चलाया गया है जिस तहत ही वाहनों की चैकिंग की गई है। पिछले साल पंजाब दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई उलंघना लेकर केंद्र सरकार ने मुड़ सख्ती दिखाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार तो इस मामले दे विच की कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। जानकारी मुताबिक केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे दौरान सुरक्षा हुई कोताही के मामले च सुप्रीम कोर्ट के सेवा मुक्त जज जस्टिस इंदू मल्होत्रा वालों की जांच की रिपोर्ट से की कार्रवाई का वेरवा मंगया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट के तत्काली मुख्य सकत्र अनिरुद्ध तिवाड़ी ते तत्काली DGP एस चट्टोपाध्याय नूं दोषी ठहराया गया सी। इस तो पहला इस मामले दे विच SSP हरमनदीप सिंह हंस नूं भी जिम्मेवार मन्या गया सी। रिपोर्ट मुताबिक केंद्रीय गृह सकत्र अजय भल्ला ने पंजाब दे मुख्य सकत्र विजय कुमार जंजुआ तो इस मामले दे विच हुण तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मंगी है। जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने 6 महीने पहला रिपोर्ट सौंपी सी। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खहरा ने विधानसभा दे विच बंदी सिंघां दे हक च आवाज चुकन तो बाद एतवार नूं मुड़ बंदी सिंघां दा मुद्दा चुकदिआं केंद्र सरकार नूं घेरिया है। खहरा ने कहा कि मैनूं दुख है कि केंद्र सरकार दे वल्लों 2019 दे विच गुरु नानक साहिब दे 550 साला प्रकाश पुरब मौके प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर गुरदीप सिंह खेड़ा ते होर बंदी सिंघां नूं रिहा करन दा नोटिफिकेशन जारी करन दे बावजूद हाले तक भी ओह जेलां दे विच बंद ने। की भारत विच साडे मनुखी अधिकार सुरक्षित ने, इस सवाल पुछया सुखपाल खहरा ने। ते नाल ही 2019 दे विच केंद्र सरकार दे ऐलानां दीआं जो खबरां चलियां सन उन्हां दा एक स्क्रीनशॉट भी सांझा कीता है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने जलंधर लोग सभा सीट की जिमनी चोण लई कपूरथला तो विधायक राणा गुरजीत सिंह नूं चोण प्रचार कमेटी का चेयरमैन थाप दिता है। इस चोण के लिए हालांकि मिति का ऐलान तो नहीं होया पर पंजाब दीआं सारीआं सियासी धिरां इस जिमनी चोण नूं लैके पब्बां भार होईआं फिरदीआं ने। जलंधर लोग सभा सीट पिछले दिनी कांग्रेसी सांसद मैंबर संतोख चौधरी के देहांत तो बाद खाली हो गई सी। संतोख चौधरी की मौत जनवरी महीने च उस वक्त हुई सी जदों राहुल गांधी की अगवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा के शामिल सन ते तुरदे तुरदे उन्हां नूं दिल का दौरा पै गया। इस दरमियान साबका मंत्री अवतार हैनरी नूं कोआर्डीनेशन कमेटी दा चेयरमैन भी नियुक्त किया गया। पंजाब दे विच व्याह ते होर समागमां दे लई मैरिज पैलेसां ते होटलां ते मोटे खर्चे तो लोकां नूं बचाउण दे लई पंजाब सरकार नवीं योजना बना रही है। इस दे लई पंजाब सरकार पिंडां अंदर ही वड्डे हाल बनाउण दी योजना कर रही है। यह जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद दित्ती है। ट्वीट करदिआं मुख्यमंत्री ने दस्सिआ कि पिंडां दे विच लोकां दे दुख सुख दे प्रोग्रामां दे लई असीं हरेक पिंड च इक वड्डा हाल बनाउण दी योजना ते विचार कर रहे हां तां जो पिंडां दे लोकां नूं फालतू खर्चियां तो बचाया जा सके, लोकां नूं करज़ई होण तो बचाया जा सके। स्पीकर साहब, एक पंजाब च कल्चर चल पिया मैरिज पैलेसां दे विच शादी हुंदी है, भावें गरीब है भावें अमीर है, जे गुआंढी ने शादी कीती है तां उहनूं नाल दी नूं करनी पऊगी कि इज्जत है, सोशल स्टिग्मा है। असीं सोच रहे हां कि पिंडां दे विच पहला कम्यूनिटी हाल हुंदे सी, कम्यूनिटी हाल नूं आपां इक नवां नां दे दईए, एक मैरिज पैलेस टाइप, एक जंज घर, समझ लो भी एक इस तरह का एक बिल्डिंग बनाइए जिथे लोग अपने दुख सुख के प्रोग्राम भी कर लिया करन, अपने ब्याह शादियां भी कर लिया करन। इहदी एक एग्जाम्पल है महल कलां हल्के का पिंड है चन्नणवाल, MLA साहब बैठे ने चन्नणवाल के विच उन्हां मुंडियां ने सत्कार कमेटी बनाई हुई है, उन्होंने आप ही कम करते, बहुत अच्छी मुंडे वो डिवेलपमेंट का कम करते,
तो किसी पार्टी नहीं जुड़े हुए हो, तो उन्होंने एक मैरिज पैलेस बनाया, बड़ा शानदार मैरिज पैलेस है, मुंडा कुड़ी के तैयार होने रिश्तेदारों के बैठने पिछे कमरे ने सारा कुछ है। उन्होंने जनरल कैटेगरी वास्ते 5,000, एस सी कैटेगरी वास्ते 2,000 या 2,500 रुपया लेंगे ने, बाकी तो अपना वित्त जोड़ा वह खर्चा है, तुम उत्थे विआह करो, क्यों असी उत्थे 2-2 लाख रुपया 4-4 लाख रुपया ला के करजाई हो जाने। सो पिंडां दे विच असी इह आइडिया लेके आना चाहते हाँ कि आप जिहड़े दुखां सुखां दे भोग पाउणा पाठ दा, जां पिंड ने कोई सांझा प्रोग्राम करना कर लो, उत्थे पंचायत ने बहना ग्राम सभा बनाउणी है बुला लो, उत्थे उत्थे स्पीकर लगे होण, सब कुछ होवे। सो थोड़ा जिहा पिंडां दे विच जिहड़ा फालतू खर्चे ने उन्हां नूं आपां जे इधर करन च कामयाब हो गए तो बहुत बड़ा भला होगा। शनिचरवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों विधानसभा के पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की सालाना ग्रांट के वाधा किए जाने, पंजाबी यूनिवर्सिटी को कर्जा मुक्त किए जाने का भरोसा दिए जाने तो बाद वीसी प्रोफेसर अरविंद ने आप सरकार का हुण धन्नवाद किया है। वीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ते वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भरोसा दवाया कि भविख के पंजाबी यूनिवर्सिटी का वित्ती संकट है जिहड़ा वो हल कर दिता जाएगा तो छेती किया जाएगा, तो इस दे लई यूनिवर्सिटी के वलों तजवीज़त लोड़ींदे फंड सरकार मुहैया करवा देवेगी। मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों, पंजाबी यूनिवर्सिटी परिवार वालों, ते बतौर वाइस चांसलर पंजाब सरकार दा, पंजाब सरकार दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी दा, पंजाब सरकार दे वित्त मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा, जिन्हां ने बयान जारी करके एक गल स्पष्ट कर दिती है कि पंजाब सरकार पंजाबी यूनिवर्सिटी दे नाल खलोती है ते पंजाब दी इस प्रमुख संस्था नूं बचाउण ते अग्गे वधाउण लई हर तरीके नाल यूनिवर्सिटी दी मदद करेगी। इहदे नाल इह वी गल स्पष्ट हो जांदी है कि मालवे दे खेत्र विच पंजाब दी इह सब तों वड्डी उचेरी विद्या दी संस्था पंजाब सरकार दे एजेंडे ते है, पंजाब सरकार इहनूं वधाउण लई पूरा यतन कर रही है। ते इक वार फिर मैं सारे यूनिवर्सिटी परिवार वल्लों टेस्टिंग दौरान पॉजिटिव दर है जिहड़ी वधी है, इस वल तुरंत ध्यान देने की लोड़ है। पंजाब समेत पछमी बंगाल वर्गे होर कई सूबयां दे विच अफीम की खेती करन की इजाजत देने की चर्चा छिड़ी हुई है, हालांकि इस बारे सरकार ने तो सेंटर सरकार तो कोई मांग नहीं की। पंजाब सरकार ने पछमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जरूर चिट्ठी लिखी है कि सानू अफीम की खेती करने की इजाजत दी जाए, पर इस दरम्यान खबर आई है कि पंजाब च कई लोग चुप चुपीते अफीम की खेती करन लगे ने, बेशक वड्डे पद्धर ते तो नहीं हो रही पर पिछले समय दौरान कई अजिहे मामले सामने आए ने जिसनों लैके पुलिस चौकस हो गई है। लुधियाना जिले के कस्बा जगराओं के थाना सदर की पुलिस ने अफीम के पौधे बीजन के दोष हेठ एक किसान के खिलाफ केस दर्ज किया है। पता लगे कि किसान चोरी छिपे अपने खेत विच पोस्त दे बूटे उगा रहा सी। सिख कौम दे महान जरनैल श्री अकाल तख्त साहिब दे तत्काली जथेदार अते श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल दे 6वें मुखी अकाली बाबा फूला सिंह दी 200 साला शहीदी शताब्दी दे समागमां तहत ऐतवार नूं श्री अकाल तख्त साहिब तो विशेष नगर कीर्तन सजाया गया जिसनों शहीदी फतेह मार्च का नाम दिता गया। इस दौरान नगारियां जयकारियां ते नरसिंघियां दी गूंज विस्मा दी लाही ते चढ़दी कला वाला माहौल सिरज रही सी। नगर कीर्तन सवेरे करीब 10 बजे आरंभ होया जिसकी संपूर्णता शहर के पुरातन दरवाजे तो होंदे हुए गुरद्वारा बुरज अकाली बाबा फूला सिंह छाउणी निहंग सिंह विखे हुई। गुरद्वारा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी विखे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए, अरदास हुक्मनामा अते गुरबाणी कीर्तन का इलाही गायन भी होया। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि जथेदार अकाली बाबा फूला सिंह ने सिख राज की कायमी और सलामती वास्ते अहम योगदान पाया जिस दिया सिख इतिहास के विच अमिट पैड़ा ने। इस मौके एसजीबीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी और बुढ़ा दल के मौजूदा मुखी जथेदार बाबा बलवीर सिंह 96 करोड़ भी पहुंचे हुए सन जिन्होंने बाबा फूला सिंह सिख इतिहास के नायक करार दिता। शनिचरवार को वैटरन अदाकार सतीश कौशिक की मौत को लेकर एक नवी खबर सामने आई है। सतीश कौशिक की मौत के संबंध में फार्म हाउस के मालिक
मालक विकास बालू की दूसरी पत्नी ने अपने पति से गंभीर दोष लाए ने कि अदाकार की मौत में उसके पति का भी कथित तौर पर हाथ है। उसने पुलिस में इस संबंधी शिकायत दी है, जिस तों बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विकास मालू की पत्नी ने दसाया कि उन्होंने फार्म हाउस के एक समागम के लिए सतीश कौशिक आया से, जिथे उसकी तबीयत बिगड़ गई। फार्म हाउस के इतराजयोग दवाइया भी मिली सन। पत्नी ने दसाया कि विकास मालू से सतीश कौशिक विचाले कारोबारी संबंध सन, दोहां विचाले आर्थिक विवाद भी चल रहा है। विकास मालू की दूसरी पत्नी ने अपने पति से शरीरक शोषण के दोष भी लाए सन, इस संबंध में भी पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई है। बटाला तो खबर है जिथे एक सबका कांग्रेसी एमसी के पुत ने नौजवान गोली मार दी, वारदात को अंजाम देने बाद फरार हो गया। जख्मी को बटाला के हस्पताल तो अमृतसर रैफर किया गया, जिथे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पता लगे कि 11 मार्च की देर शाम बटाला के मुर्गी महल के सबका एमसी के पुत सुरेंद्र तीरथ राम नामी नौजवान के विचाले मामूली तकरार हुई सी। गुस्से चाहे सुरेंद्र ने अपने रिवॉल्वर के नाल तीरथ राम से गोलियां चला दतियां, जिस तों बाद वह गंभीर जख्मी हो गया। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तों इजाजत चाहुंदे आं। शाम नूं फिर मिलांगे। धन्नवाद।